सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। फैयाज अहमद पंचायत पकड़ी पकोही प्रखंड मरवन जिला मुजफ्फरपुर। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र का विकास किया है। हमारे साथ फैयाज अहमद है, पंचायत पकड़ी पकोही ब्लॉक मरवन जिला मुजफ्फरपुर। एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अपने पंचायत में इन्होंने विकास की धारा बहाई है। जनता इनको अपने दिल में समेट के रखी हुई है। हम जानना चाहेंगे फैयाज जी से कि ये कैसे संभव हुआ कि इतना विरोध के बावजूद भी आपने विकास का धारा बहाया अपने पंचायत में, बताया जाए। जनता का विरोध कुछ था तो कुछ सपोर्ट भी था, और सब जनता के सपोर्ट से ही विकास का हमने काज पूरा किया। और नल जल योजना आपके यहाँ कैसा चल रहा है? नल जल योजना अभी ठीक चल रहा है। तीन वार्ड में जो अभी कुछ कारण से जैसे फोर लाइन का काम हुआ, उसमें कुछ मतलब पाइप वगैरह उजाड़ दिया, इसके कारण चलता नहीं है। कुछ वार्ड में आपको जो चिप्स वाला मीटर लग गया, उसका रिचार्ज न होने के कारण बंद है। बाकी वार्डों में चल रहा है। शौचालय क्या स्थिति है? शौचालय लगभग 80% है लोग के पास। इंदिरा आवास 102 हमने दिया 5 साल में। पशु शेड 102 बना, ज्यादा नहीं बना। और सड़क का क्या पोजीशन है? सड़क लगभग 75% मेरा ठीक है। तो आपने हमसे बात में बताया था कि जो काम आपके पंचायत में लंबित है उसका आपने पूरा एक बढ़िया से जो है एक तैयार किया हुआ है रोड मैप, और आपने कहा था कि जनता अगर इस बार चुनती है तो अगले बार वो बचे हुए काम को करेंगे। क्या इस तरह का जो है पूरा पूर्ण आप इच्छा शक्ति रखे हुए हैं, दृढ़ शक्ति कि इस बचे हुए चीज़ को आप अंजाम देंगे अगले बार? हाँ, ये तो हमारा सोच भी है, और जो भी बचा हुआ है 2 साल के अंदर में उस काम को हमने पूरा करेंगे। अगर मौका दिया जनता फिर हमको तब। और सिटी न्यूज़ टुडे के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो हमारे न्यूज़ चैनल से मैसेज दे सकते हैं इस माध्यम से? जनता को तो मैं यही कहूँगा कि जनता देखे प्रत्याशी लोग को, जो अच्छा उनको लगता है उनको ही बनावे मुखिया, जो आने वाले दिन में हमारे जनता को कोई परेशानी नहीं हो। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।